आज का जो लेक्चर है वो स्पेसिफिकली आपका मैंने बनाया है MySQL के इंस्टॉलेशन पर, ठीक है। इस ओवरऑल वीडियो में मैं आपको जितने भी स्टेप्स हैं जो कि MySQL को इंस्टॉल करने के लिए आपने परफॉर्म करने हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले आपने आपको पता है कि आप स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज के बारे में पढ़ रहे हैं और उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमें एक प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पर हम अपनी MySQL की क्यूरीज को रन करके उसकी आउटपुट को देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि आप गूगल पर जाएंगे और सिंपल आप वहाँ पर लिखेंगे डाउनलोड्स MySQL, ठीक है। तो जैसे ही आप डाउनलोड MySQL करेंगे तो यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि जो विंडो आपके पास ओपन हुई है ये आपका जो फर्स्ट वन लिंक होगा, लाइक आप लिखना है डाउनलोड MySQL, तो फर्स्ट वन जो आपके पास लिंक होगा वो आपने ओपन करना है, ठीक है। ओपन करने के बाद लाइक यहाँ पर ये अपवर्ड एंड डाउनवर्ड पेज जाने के लिए है तो आपने इसको डाउनवर्ड जो है वो मूव करना है। तो यहाँ पर आपको ये कुछ सेटअप जो है वो इस तरह से नज़र आएगा MySQL 8.0.13, ठीक है। यहाँ पर आप देखें कि सिलेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम की ऑप्शन है, यहाँ पर मैंने माइक्रोसॉफ्ट विंडो जो है वो चूज़ किया है। यहाँ पर आप अपनी विंडो के अकॉर्डिंग जो भी है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर फर्दर हमारे पास दो ऑप्शन है MySQL को इंस्टॉल करने के। तो जो फर्स्ट वन हमारे पास इंस्टॉलेशन है वो ऑनलाइन सर्वर के लिए, लाइक आप जो है इसमें ऑफलाइन वर्क नहीं कर सकते, ठीक है। ऑनलाइन वर्किंग अगर आपने करनी है MySQL पे तो आप फर्स्ट वन जो सेटअप है उसको इंस्टॉल करेंगे एंड देन अगर आप जो है वो ऑफलाइन वर्क करना चाह रहे हैं कि आपके पास पूरा सेटअप जो है वो सिस्टम में आ जाए और उस पर आप अपनी मर्ज़ी से वर्किंग परफॉर्म करें तो उसके लिए आप सेकंड वन जो है इंस्टॉलर जो है इंस्टॉल करेंगे MySQL इंस्टॉलर को आप इंस्टॉल। यहाँ पर सिंपल डाउनलोड की ऑप्शन है बेटे, जब आप यहाँ पर क्लिक करोगे डाउनलोड्स पे तो आपके पास ये वाली विंडो अपेयर हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आपको लॉगिन एंड साइन अप की ऑप्शन है, आपने इसको टोटली इग्नोर करना है, आपने इस पर फोकस नहीं करना। आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है नो थैंक्स जस्ट स्टार्ट माई डाउनलोड, ठीक है। आपने जस्ट सिंपल यहाँ पर क्लिक करना है, लॉगिन एंड साइन अप करने की आपको ज़रूरत नहीं है। एंड देन देखें कि आपकी ये जो डाउनलोड बार है, सिंपल आप जब गूगल पर कुछ भी ओपन करते हैं और उसको डाउनलोड करते हैं तो आपके पास इस तरह से डाउनलोडिंग आ जाती है। तो यहाँ पर देखें, जस्ट मैंने यहाँ पर क्लिक किया है नो थैंक्स जस्ट स्टार्ट माई वीडियो और यहाँ पर जो है वो मेरा सेटअप डाउनलोड हो रहा है, ठीक है। इसको डाउनलोड होने में बेटा 10 to 15 मिनट्स भी लग सकते हैं और विद इन 5 मिनट्स भी हो सकता है, इट्स डिपेंड ऑन योर नेटवर्क स्पीड। अब नेक्स्ट वन ये देखें कि जैसे ही आपकी इस फेज़ में डाउनलोडिंग आपकी कंप्लीट होगी, नेक्स्ट उसका सेटअप जो है वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर आपको जो है उसकी लाइक एक लाइन नज़र आएगी जो ओवरऑल ग्रीन हो जाएगी, जिससे ये शो होगा कि आपकी जो इंस्टॉलेशन है वो वर्किंग में है। जैसे ही आपकी इंस्टॉलेशन होती है तो बेटे ये MySQL इंस्टॉलर 1.4 ये आपके पास ऑटोमेटिकली विंडो जो है वो अपेयर हो जाएगी, लाइक सेकेंड्स में आपके पास जो है वो ये विंडो अपेयर हो जाएगी। उसके बाद आपके पास जो इनिशियल विंडो है आपकी इंस्टॉलेशन की वो ओपन हो जाएगी MySQL इंस्टॉलर। तो यहाँ पर फर्स्ट जो आपकी विंडो है यहाँ पर आपने क्या करना है कि यहाँ पर एक्सेप्ट है, ठीक है, इस एक्सेप्ट को आपने टिक करना है और देन आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो फर्दर आपके पास ये जो है विंडो अपेयर होगी। इसमें इसको अपेयर करने का मकसद ये है कि आप यहाँ पर सेटअप टाइप जो है उसको चूज़ कर लें, लाइक आपके पास डिवेलपर बाय डिफ़ॉल्ट है, सर्वर ओनली है, या आपने फुल करना है या कस्टमर करना है। तो बेटे यहाँ से आपने फुल की जो ऑप्शन है वो चूज़ करनी है एंड देन आपने नेक्स्ट का बटन जो है वो प्रेस करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट का बटन प्रेस करेंगे आपके पास पाथ की जो है वो लाइक एक विंडो जो है वो ओपन हो जाएगी पाथ कॉन्फ्लिक्ट की, ठीक है। यहाँ पर लाइक आपका जो ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट है वो सी में प्रोग्राम डाउनलोड होता है, वहाँ पर उसकी इंस्टॉलेशन होती है। और अगर आप यहाँ पर इसको चेंज करना चाहते हैं अपनी मर्ज़ी से किसी भी ड्राइव में, लाइक सी डी ई ड्राइव है आपके पास, अगर आप उसमें करना चाहते हैं
तो आप वहाँ पर भी इसकी इंस्टॉलेशन की जो लोकेशन है या आपकी इंस्टॉलर डायरेक्टरी है, आप वहाँ पर इसको इंस्टॉल कर सकते हैं सिंपल, ठीक है। अगर आप इसको चेंज करना चाह रहे हैं, ठीक है, अदरवाइज आप जस्ट नेक्स्ट पे क्लिक करें। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर चेक रिक्वायरमेंट्स आ जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपने इन दोनों रिक्वायरमेंट को कुछ नहीं करना, ठीक है, क्योंकि ये हमारी दोनों ही रिक्वायरमेंट हैं, हम चॉइस पर नहीं कर रहे, ठीक है। माई एस क्यू एल फॉर विजुअल स्टूडियो या कनेक्टिविटी पाइथन लाइक इस तरह से हमारी कोई रिक्वायरमेंट जो है वो नहीं है, इसलिए आपने इन दोनों को जो है वो नहीं छेड़ना, इन दोनों पे क्लिक नहीं करना। जस्ट आप नेक्स्ट पे अगेन क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपसे जो है वो एक पूछेगा कि आप इन दोनों मैनुअल के बगैर जो है वो फर्दर अपना सेटअप कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, तो जस्ट आपने यहाँ पर यस क्लिक करना है कि आप अपना सेटअप कंटिन्यू करेंगे एंड देन आप नेक्स्ट का बटन प्रेस कर देंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट का बटन प्रेस करेंगे, अब ये देखिए यहाँ पर आपके पास इंस्टॉलेशन आ गई है और ये डिफरेंट चीज़ें हैं जो आपकी माई एस क्यू एल इंस्टॉलर इंस्टॉल करेगा, जिसमें माई एस क्यू एल सर्वर है, वर्क बेंच है, माई एस क्यू एल शेल है, राउटर है एंड कनेक्शन है एंड देन माई एस क्यू एल डाउनलोड डॉक्यूमेंटेशन है, लाइक इस तरह से चीज़ें, और ये सारी जो है वो हमारी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। सिंपल आप क्या करेंगे कि यहाँ पर एग्जीक्यूशन का बटन है, लाइक एग्जीक्यूट, सिंपल आप एग्जीक्यूट पे क्लिक करेंगे और फर्दर स्लाइड पे मूव ऑन हो जाएंगे, ठीक है। अब देखें कि यहाँ पर जो है वो परसेंटेज शो होना शुरू हो जाएगी आपकी डाउनलोडिंग की, कि कितने परसेंट जो है वो कंप्लीट हो गया। इन केस अगर आपकी फेलियर हो जाता है, लाइक कोई भी ड्यू टू नेटवर्क कनेक्टिविटी के कुछ भी इसमें से सेटअप जो है वो कम्प्लीटली डाउनलोड नहीं होता, तो आप साथ देखें कि ट्राई अगेन की ऑप्शन आ रही है, ठीक है। यहाँ पर आप इसको ट्राई अगेन करेंगे एंड देन ये जितने भी यहाँ पर आपके प्रोडक्ट्स दिए हुए हैं, इनकी इंस्टॉलेशन जो है वो 100% कंप्लीट हो जाएगी। जैसे ही आपकी यहाँ पर इन सब प्रोडक्ट की इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगी, यहाँ पर एग्जीक्यूट जो है वो इसका मतलब है कि आपने कर दिया है ओवरऑल, एंड देन आपके पास जो फर्दर विंडो अपेयर होगी वो प्रोडक्ट कॉन्फ़िगरेशन की है। यहाँ पर आपने कुछ भी जो है वो ओपन करने की या क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है, ये विंडोज़ ऑटोमेटिकली आपके पास अपेयर होती जाएंगी। जैसे ही आपके पास प्रोडक्ट कॉन्फ़िगरेशन की ऑप्शन आएगी, यहाँ पर भी आपने कुछ नहीं करना, जस्ट आप नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे एंड देन आपके पास ग्रुप रेप्लिकेशन की जो है वो विंडो अपेयर होगी। यहाँ पर जस्ट आपकी जो फर्स्ट वन ऑप्शन है ये बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट हुई भी होती है, ठीक है, और अगर ये सिलेक्ट नहीं हुई भी तो आपने जस्ट फर्स्ट वन जो है लाइक आपका जो है माई एस क्यू एल सर्वर, इसको आपने सिलेक्ट करना है और देन आपने नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। देन आपके पास ऑथेंटिकेशन मेथड आ जाएंगे, इसमें भी आपके पास फर्स्ट वन ऑप्शन जो है यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, आपने इसको चूज़ करना है, ठीक है, और आपने नेक्स्ट का बटन प्रेस कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट का बटन प्रेस करेंगे, अब यहाँ पर आपके पास जो है वो अकाउंट्स एंड रूल्स वाली जो विंडो है वो ऑटोमेटिकली अपेयर हो जाएगी। यहाँ पर आपने क्या करना है कि यहाँ पर आपने अपना पासवर्ड सेट करना है और कोशिश करनी है कि आपका पासवर्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग का मतलब ये है कि उसमें आपके कैपिटल, स्मॉल लेटर और कोई ना कोई आपका जो न्यूमेरिक इंटीजर है वो आपने ऐड करना है, ठीक है। लाइक अगर मैं यहाँ पर करती हूँ लाहौर एट द रेट 123, तो ठीक है, यहाँ पर जो लाहौर का एल है वो कैपिटल कर दूंगी, बाकी जो स्पेलिंग है वो स्मॉल होंगे, एट द रेट 123, तो ये मेरा एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बन जाएगा जिसमें कैपिटल लेटर भी हैं और स्मॉल लेटर भी हैं और उसके साथ अलजब्रिक एक्सप्रेशन एट द रेट भी ऐड हो गया है और मेरे पास इंटीजर भी आ गया। इसी तरह से आप अपनी चॉइस पे जो है वो यहाँ पर पासवर्ड एंटर करेंगे, पासवर्ड एंटर करेंगे एंड देन सेकंड पॉइंट भी है आपका रिपीट पासवर्ड, दोनों पासवर्ड आप एंटर करने के बाद नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट वन आपके पास विंडो सर्विसेज की जो ऑप्शन है वो अपेयर हो जाएगी। आपने यहाँ पर भी कुछ भी जो है वो नहीं आगे पीछे करना, ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट सारी चीज़ें जो है वो सिलेक्ट हुई भी होंगी, और अगर आपके पास इन केस बाय डिफ़ॉल्ट नहीं आती तो बेटे यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप इन्हीं के अकॉर्डिंग जो है उनको ऑप्शंस को सिलेक्ट करेंगे। वैसे तो ये ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट विंडो सर्विसेज जो है वो सिलेक्ट हुई भी होती हैं। अब यहाँ पर अगेन आपके पास अप्लाई कॉन्फ़िगरेशन आएगा, तो सिंपल आपने क्या करना है, यहाँ पर एग्जीक्यूट का बटन है और आपने जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन है उनको एग्जीक्यूट कर देना है, ठीक है। सिंपल आप एग्जीक्यूट के बटन पे क्लिक करेंगी,
एंड देन देखिए जैसे ही आपकी ऑल कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कंप्लीट हुई है, उनके साथ जो है वो ग्रीन टिक आ गया है, ठीक है। आपके सर्कल यहाँ पर देखें, ये एम्प्टी सर्कल है, और नेक्स्ट वन जैसे ही हमारी कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हुई है यहाँ पर टिक आ गया है, और साथ ही हमारे पास फिनिश की ऑप्शन आ गई है। जैसे ही आप इसको फिनिश करेंगे, नेक्स्ट वन आपके पास विंडो जो है प्रोडक्ट कॉन्फ़िगरेशन की आ जाएगी। ये इसलिए है कि लाइक जो आपने प्रीवियस स्टेप्स में प्रोडक्ट कॉन्फ़िगर परफॉर्म किया है, अगर उनमें से कोई भी जो आपका सेटअप है वो कम्प्लीटली नहीं हुआ या उसको मज़ीद अपडेट होने की ज़रूरत है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट कॉन्फ़िगरेशन आपके पास एक दफ़ा फिर से आ जाएगा। सिंपल आपने नेक्स्ट का बटन प्रेस करना है एंड देन हमारी SQL राउटर कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी। यहाँ पर भी बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग हुई भी होंगी, आपको यहाँ पर कुछ भी जो है वो सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप फिनिश के बटन पे क्लिक करेंगे। आफ्टर जो है आपकी MySQL राउटर कॉन्फ़िगरेशन के बाद कनेक्ट टू सर्वर वाली विंडो अपेयर होगी, तो यहाँ पर भी आपकी जो है सिलेक्शन ऑलरेडी हुई भी है, ठीक है। बस यहाँ पर अब आपने क्या करना है कि ये देखें, यहाँ पर लास्ट पे देखें आपका यूज़र है और पासवर्ड है। यूज़र आपका बाय डिफ़ॉल्ट रूट लिखा हुआ होगा ROOT, ठीक है। अगर नहीं लिखा हुआ तो आपने भी एज इट इज़ रूट ही लिखना है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर पासवर्ड एंटर करेंगे, और याद रखना है कि जब आपने पासवर्ड एंटर करना है तो आपने वो वाला पासवर्ड एंटर करना है जो कि अभी प्रीवियस आपने स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जो मैंने आपको बताया, जहाँ पर उस विंडो में जो आप पासवर्ड एंटर करेंगे सेम वही पासवर्ड आपने यहाँ पर एंटर करना है, ठीक है। ये आपके सर्वर से कनेक्ट होने के लिए है, तो आपने यहाँ पर यूज़र जो है वो रूट लिखना है, और आपने पासवर्ड जो प्रीवियस एंटर किया होगा जस्ट वो एंटर करना है। और उसके बाद लाइक ये देखें, मेरे पास रूट और पासवर्ड मैंने एंटर किया, एंड देन चेक का जो बटन है वो मेरे पास विजिबल हो गया। जब तक मैं यहाँ पर पासवर्ड एंटर नहीं करूँगी, चेक का बटन जो है वो विजिबल नहीं है। देन आपने चेक करना है, और जब आप चेक पे क्लिक करोगे तो ये देखें आपके पास ये एक तो ग्रीन हाईलाइट हो गया है, और दूसरा यहाँ पर लिखा हुआ आ गया है ऑल कनेक्शन सक्सेसफुली, कि आपके जितने भी कनेक्शन है वो सक्सेसफुली अपडेट हो चुके हैं, कनेक्टेड हैं। एंड देन आपने क्या करना है कि यहाँ पर अपनी ऑथेंटिकेशन चेक करने के बाद नेक्स्ट के बटन पे प्रेस, नेक्स्ट का जो बटन है उसको प्रेस कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट का बटन प्रेस करेंगे, आपके पास जो है वो अगेन अप्लाई कॉन्फ़िगरेशन आएगी। यहाँ पर सिंपल आपने एग्जीक्यूट का बटन प्रेस करना है, और नेक्स्ट स्लाइड जो है जैसे ही आपकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगी, इंस्टॉलेशन कंप्लीट की विंडो जो है वो आपके पास ओपन हो जाएगी, ठीक है बेटे। यहाँ तक आपका जो ओवरऑल MySQL इंस्टॉल करने के स्टेप्स हैं वो ऑलमोस्ट क्लियर हो गए हैं। यहाँ पर जस्ट आपने फिनिश का बटन जो है वो प्रेस कर देना है। ये आपकी फाइनल एंड लास्ट वन इंस्टॉलेशन विंडो है जो कि आपने कंप्लीट कर ली है। जैसे फिनिश के बटन पे प्रेस करेंगे तो आफ्टर फ्यू मिनट्स आपके पास ये विंडो अपेयर हो जाएगी, वेलकम टू MySQL वर्कबेंच, ठीक है। यहाँ तक आपकी जो MySQL की इंस्टॉलेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। आपने जब अपने सिस्टम्स में, अपने लैपटॉप्स में MySQL को इंस्टॉल करना है तो आप ये सारे स्टेप्स को फॉलो करिएगा, इंशाल्लाह आपका सिस्टम जो है वो इन सारे स्टेप्स को सपोर्ट भी करेगा, और MySQL आपके सिस्टम्स में भी इंस्टॉल हो जाएगा। ये बेटा वन बाय वन जितने भी स्टेप्स आपको रिक्वायर्ड हैं MySQL को इंस्टॉल करने के, वो सारे स्टेप्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं, ठीक है। एंड इसके बाद छोटा सा एक और स्टेप है जिसमें हमने MySQL की जो कनेक्टिविटी है वो कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू करनी है, वो फर्दर इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बताऊंगी। और आई होप कि आपको आज का जो स्टेप्स हैं जो कि MySQL को इंस्टॉल करने के हैं वो समझ आ गई होगी। होप फॉर बेस्ट एंड थैंक यू।